माजरत के साथ, तो ये मैं ज़रा प्ले करूँगा कि आपने जिस तरह की अंग्रेजी लिखी है ये सुन लें। Dear Vatatastikro, he is very thirsty and he was searching search in the water. He saw, put there was a little water and he jumped in. The water is like the swimming pool in the river. When he down the river and he is very thirsty and he is the other crow when he saw, so the when he went to jump and the crashing in the water and both are fighting and to sat in the river in the pond. Honestly, the best point is saying then he is the real commander coming in the water. Name is thirsty, greedy dog. The great dog saw in the thirsty crow want to eat water. And the great dog eat to the water and great dog to drinking the bone. When he is very thirsty, the dog. The dog want to eat the crow. Told Sarala Vazaro and he is very Parishan Daga. He is very upset to see the in the river the Daga, the water in the swimming pool in the river. The river in the water to lake. When the flying in the when the crow flying in the sky and he is pushing and he is squeezing and his movement of the wings and he is searching the water when he saw the other lake. And he is saw the other crow in the river. He saw he thinking this is my wife name is the other crow. He's crow like he is like the she is the he wife. The crow wife, who he like a she, was anonymous. But the crow is very dangerous to her little bacha when he is married. Both are married, and after they. Celebrating the honeymoon in the river and Akhirkar they born the bacha. Bacha baby is coming. When the baby coming, so the great dog again come and want to eat the crow baby. Nor Allah Azmani. ठीक है जी, ये अंग्रेजी थी, पश्तो बीच में भी मिक्स थी ना, तो ये अंग्रेजी है थोड़ी सी। हाँ, जो पेपर में लिखी गई है सरकार ने। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है इम्पैक्टफुल मैनेजमेंट। आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनली एचआर में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब आपने इम्पैक्टफुल मैनेजमेंट देखने के लोगों की अंडर परफॉर्मेंस क्यों होती है, लोग कम परफॉर्मेंस क्यों देते हैं। यह है एक साइकिल ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। पहली चीज होती है अनसर्टेनिटी क्रिएट। अनसर्टेनिटी जब हो तो डिस्ट्रस्ट होता है, इसके तीन रीजन होते हैं। फिर उससे वेरीनेस आ जाती है, एक चीज है। फिर लैक ऑफ डायरेक्शन आ जाती है आपके पास, और
इसकी वजह से आपके पास रेड में अंडर परफॉर्मेंस होती है। तो ये इसको कहते हैं साइकिल ऑफ अंडर परफॉर्मेंस होती है। ये देखें, अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रस्ट, वेरीनेस, लैक ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, सो अंडर परफॉर्मेंस को क्योर करने के क्या तरीके हैं, कैसे की जा सकती है और रीजंस क्या होते हैं? पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जिस तरह अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है, डाल दिए हैं अभी सारे उसके ऊपर गूगल ड्राइव में जितने भी हैं, सारी वीडियो सब कुछ। सो पहली चीज है हमारे पास अनसर्टेनिटी, ठीक है। पहला चीज होती है दे डू नॉट नो व्हाट दे आर सपोज टू डू, ठीक है। एम्प्लॉयज का क्या है प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम? ये है कि आप लोगों को वेग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, वेग इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए, अ लॉट ऑफ गेसिंग बाय द एम्प्लॉयज, ठीक है। इसका आपने जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं दी होती, ठीक है, और आप कई दफा लोग कहते हैं कि ये तो मेरी जॉब ही नहीं है, दैट्स नॉट माय जॉब, वो इंटरप्रिटेशन करने लग जाते हैं अपनी चीजों की। सो अगर आप ये स्टेटमेंट देखें कि एमी आई नीड यू टू डू समथिंग सम टाइम अबाउट सम प्रॉब्लम विद सम वन समवेयर, ये इंस्ट्रक्शन आप किसी एम्प्लॉयज को देंगे तो वो क्या करेगा, वो यस नो मे बी इस सिचुएशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको दूं कि आपको इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने ऑफिस को ऑफिस के टाइम पे आना है। अब ये इंस्ट्रक्शन मैं दे दी, ये बड़ी वेग इंस्ट्रक्शन है, टाइम पे आना है, आपने सुबह 9 बजे आना है, ये मैंने इतना स्पेसिफिक कर दिया कि यू हैव टू कम टू द ऑफिस एट 9 AM। 9 AM क्या आपने गेट पे एंटर कर रहा होना है ऑफिस के, क्या कार पार्क में होने, अपने कमरे में सीट में बैठे होने, या जिसमें बैंकिंग सेक्टर में 9 बजे का मतलब है कि वो लोग आएंगे 9:15 पे, आके सब चीजें सेट करेंगे अपनी 15-20 मिनट लगा के, और जब 9 बजेंगे तो कस्टमर ने आना है और खिड़की पर सर्व होना है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि आप उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इसका रीजन क्या है, दे डोंट नो व्हाट, इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। लेट देम नो एंड अवॉइड एम्बिग्विटी, क्लियर बताएं, बी स्पेसिफिक, कंप्रीहेंसिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको डिफाइन होंगी, ठीक है, और वर्क प्लान उनको बताना होता है कि क्या है, और क्वांटिफाइबल टास्क आप दें कि चीजें जिस तरह होती है। सो पहला जो चीजें रीजन जो था हमने देखा वो ये है अनसर्टेनिटी के अंदर, दे डोंट नो व्हाट दे आर सपोज टू डू, कि क्या उन्हें करना है। अगला अनसर्टेनिटी आती है इस चीज से कि दे डोंट नो हाउ टू डू इट, कि काम को कैसे किया जाए, ठीक है। सो आपको लगता है कि ये इनएबिलिटी है, एम्प्लॉयज आर टोल्ड नॉट टू डिमांड, ओके, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेलिंग वर्सेस सिमुलेटिंग। व्हेन आई जॉइन माय जॉब, माय बॉस को मैं कहता ना कोई काम नहीं आता, तो वो खुद हाथ से करके बताता था। एक दफा मैं लेटर लिख के लेके गया, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने सारा रेड करके सारा करेक्ट कर दिया और उसको दे दिया। सो दैट मीन्स कि सिमुलेशन करना, आपको काम, जिस तरह कहते हैं ना कि कोई बंदा किसी जगह कोई कारोबार करना हो तो उधर जाके मुलाजमत करे कुछ अर्सा, सीखे काम, क्योंकि जब तक आपको काम नहीं आता होगा आपके नीचे एम्प्लॉयज को पता होगा हमारे बॉस को काम नहीं आता, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि वो काम आपको आता है, क्योंकि उनको दे डोंट नो हाउ टू, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, लेट देम नो कैसे किया जाता है काम, डिमॉन्स्ट्रेट एंड प्रैक्टिस उनको सिखाएं, ठीक है, सिमुलेट करके दिखाएं कि क्या है, उनको ट्रेन करें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सेकंड चीज आती है जिससे कि अगर ये करेंगे या होता है तो लोगों में अनसर्टेनिटी होती है कि काम करना कैसे है। उसके बाद आगे हैं दे डोंट नो व्हाई दे शुड डू इट। अब ये लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये कोई काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं क्यों कर रहे हो, प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को आपने ये जो स्टोर होते हैं, ग्रोसरी स्टोर, मेट्रो वगैरह, वहाँ पे आपको उन्होंने कागज़ पकड़ा दिया कि इसको टिक टिक करो आइटम्स को, ना कितने आइटम इधर हैं कितने आइटम हैं, तो वो पूछेगा क्यों करूँ, तो आप कहेंगे नहीं जी ये तो करो बस तुम। आप उसको ये एक्सप्लेन करेंगे जी कुछ चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं, उनको मैंने आगे रखना है, दूसरों को पीछे रखना है, ये एक रैक मैनेजमेंट पूरी होती है एक रैक की। उसके अलावा अगर आइटम जो कम हो रहे हैं उनको मैंने ऑर्डर देना है, ऑर्डर देना है ताकि
ख़त्म होने से पहले उस टाइम पे ऑर्डर देना है, क्योंकि जिसको ऑर्डर देना है उसने भी हो सकता है एक दो दिन लगाएं डिलीवरी के लिए। तो टाइम पे ऑर्डर जाना, टाइम पे जाना, ये चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी उस बंदे के पास नहीं रहोगी। से दे डोंट नो द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब इज बेनिफिशियल इफ डन और हार्मफुल इफ नॉट डन। सो जब भी कोई काम ऑफिस में बताएंगे आप किसी को करने के लिए, तो आपको बताना है कि इस काम का फायदा क्या है। ये नहीं कि करो, ये तो तुम्हारी जॉब है, ठीक है। यू हैव टू क्वेश्चन दिस, के आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि ये किस वजह से कर रहे हैं। प्रिवेंटिव है, शो द बिगर पिक्चर टू देम। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि उनको पूरी पिक्चर बताएं कि किस वजह से हमने इन्वेंट्री का ये चीज़ बताई है। मोटिवेट टू परफॉर्म विलफुली, मोटिवेट करें कि खुशी से काम करें। यू हैव टू लव द जॉब व्हाट यू आर डूइंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सप्लेन हाउ एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब विल आइदर बेनिफिट और हार्म्स द एम्प्लॉयज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये चीज़ें आपकी बताती हैं, ये अनसर्टेनिटी हो गई। एक और चीज़ आती है, दे डोंट नो वाई दे शुड डू इट, ठीक है। इसकी प्रिवेंटिव मैनेजमेंट क्या है? फाइव स्टेप्स टू अंडरस्टैंड, लेट एम्प्लॉयज नो वाई, एक्सप्लेन प्रॉब्लम, गोल, सॉल्यूशंस एंड एक्सपेक्टेड सक्सेस के उसकी क्या होगी, ठीक हो गया। सो आपने पहले देखा कि ये अनसर्टेनिटी होगी। अब एम्प्लॉय के अंदर जब ये तीन चीजें हुई तो वो अनसर्टन हो गया कि यार अब क्या है? मतलब उसको समझ ही नहीं आ रही है। अगली स्टेज जो आती है, इस सारी की वजह से वो डिस्ट्रस्ट हो जाता है, वो आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है। डेंजरस सिचुएशन कि आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहा। पहला रीजन इसका क्या है डिस्ट्रस्ट का? दे थिंक योर वे विल नॉट वर्क, दे थिंक योर वे विल नॉट वर्क। उन बंदों का ख्याल ये होता है कि ये जो बॉस कह रहे हैं ना, ये गलत कह रहा है, ये इससे काम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? योर वे इज इफेक्टिव बट एम्प्लॉयज डू नॉट बिलीव। वो आपको बिलीव करना छोड़ देते हैं कि ये काम जो है आपका हो सकता है, ठीक है, ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। ये प्रॉब्लम आ गई। प्रिवेंटिव क्या है? एम्प्लॉय एंगेजमेंट, सेल योर आइडियाज। एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन करें, ठीक है, कि सेल योर आइडियाज मीन, तो एक्सप्लेन करें कि ये काम इस तरीके से क्यों अच्छे तरीके से होता है। और सेलिंग जो आइडिया होता है, ये बेसिकली ओल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रा मुश्किल होता है। उनका माइंड सेट हुआ होता है कि हम शुरू से ये काम करते आ रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। नए एम्प्लॉयज़ फिर भी आपके आइडियाज़ को फौरन एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि ये आप उस तरह करेंगे। एक रीज़न ये हुआ। फिर क्या होता है? दे थिंक देयर वे इज़ बेटर। एक तो इन्होंने समझा कि आप जिस जो काम कर रहे हैं वो गलत है तरीका। फिर एम्प्लॉय ये समझने लग जाता है जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मेरा बॉस जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। थिंक लॉजिकली फ्रॉम दे स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन, मिस, सो दे डू नॉट फॉलो द डायरेक्शंस, दे थिंक देयर वे इज बेटर। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट क्या है इसकी? एनकरेज इनोवेशन, एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सेपरेट गुड इनोवेशन फ्रॉम बैड इनोवेशन, ब्रेन स्टॉर्म टू आइसोलेट द थॉट्स। सो लोगों को इन्वॉल्व करें इनोवेशन के लिए, ताकि उनके उनमें ये चीज़ें आएँ कि जो काम मैं बता रहा हूँ करने के लिए वो ठीक है, और वो जो तरीका बता रहे हैं उसको आपने रद्द नहीं कर देना कि तुम वही गलत। जस्ट लिसन टू द आइडियाज एंड देन कन्विंस देम कि आपका जो आइडिया है वो बेहतर है। इसके साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दे थिंक समथिंग एल्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दे थिंक समथिंग एल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ क्या थी कि उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, दूसरा कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, डिस्ट्रस्ट हो गया हुआ है। और इम्पोर्टेंस की वो कैटेगरी जो है वो खुद बना लेते हैं, प्रायोरिटाइज। आपको पता होता है कई दफा कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है बॉस को। अगर आप एम्प्लॉय को कहें कि तुम ये काम सुबह का है, आपने कहा कि ये काम कर लो, थोड़ी देर बाद आके आप कहते हैं कि नहीं दूसरा काम करो, आपको ये पता है कि कोई ना कोई इमरजेंसी हुई है, मतलब कहीं आग लग गई है, मे बी उसको बुझाना ज्यादा जरूरी है, कोई और काम आ गया है वो इम्पॉर्टेंट है। सो काम को प्रायोरिटाइज करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट, इसको प्रायोरिटी इस्टेब्लिश कहते हैं। ये क्या होती है प्रायोरिटी? प्रायोरिटी इस्टेब्लिश ऐसे नहीं होती है, इसकी एक एक प्रोसीजर होता है, सेटिंग प्रायोरिटी। ये क्या है? यार ये डिस्प्ले सेटिंग्स पूरी तरह का हमेशा सेट नहीं हो जाती, पता नहीं क्यों।
आवाज नहीं आ रही बॉस। आई थिंक वो पावर की रीड ना हिल गई हो। हाँ जी पावर है। Suggested that everything we do in life. Okay, चीजों की प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करना जरूरी है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करने का एक फॉर्मूला है, वैसे ही नहीं कर देते। वो क्या है? जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू, एक सेकेंड, ये आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। Okay, जी। Before you set your priorities for the next 30 days, I'd like to share with you the most important idea I've ever learned about time management. In the 1920s, a college professor suggested that everything we do in life falls into one of four categories. The actions you take are either important, they contribute to your vision, mission, values, objectives, strategies, and high priority goals, or they're not important. The actions you take are either urgent, there is an implication of time pressure, or they're not urgent, there is no time pressure. Quadrant one is important and urgent. Your biggest client has a pressing need. The computer's crashed. You have a deadline-driven project you need to complete. Quadrant one items get done. Quadrant two items are important and not urgent. Think about it. Everything you do that improves the quality of your work and your life is in quadrant two. Improving relationships, personal development, seizing new opportunities, developing and empowering others, problem prevention, preparation, and better planning are all in quadrant two. They're important, but they're not urgent. Quadrant three is not important, but implies time pressure. There's urgency, and it's deceptive. It may feel like it's important, but it's just urgent. Many emails, phone calls, and meetings are not important. They don't contribute to your vision, mission, values, objectives, strategies, and high priority goals. Quadrant four, it's waste and excess. Here, there's no time pressure, but you might find yourself lost on the internet doing things that are not important. That's quadrant four. Many time wasters and escape activities are in quadrant four. The principle is simple and profound. What matters most. So spend more time in quadrant two. How do you do that? You plan for it. Your dynamic business growth plan is now leading you and your team to identify important priorities. By setting a priority, you're taking something that is important and making it urgent by identifying a completion date. ठीक हो गया? आप लोगों ने काम की जो है priority वो क्या है? ठीक हो गया? So we are looking at distrust, so they think something else is more important, so you have to establish this thing. So when
अनसर्टेनिटी हुई पहले, उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट हो गया, इसके बाद होती है वेरीनेस, वेरीनेस हो गई, ठीक है, अब आप फ्रस्ट्रेशन हो गई। ये वेरीनेस क्या होती है, वेरीनेस इज फ्रस्ट, ये तो नहीं भूलेगा आपको, देखो ये दोबारा देखें, उसकी वजह ये है कि शादी के बाद भी यही होता है। करता है ना कभी कभी ये दिल, रोज करता ही है, रोता है और दिल में है आंसुओं के बगैर। ओके जी, वेरीनेस हो गई। वंस यू हैव अचीव दिस तो आपके, सो क्या होता है, एम्प्लॉयज दे एंटिसिपेट अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डूइंग। अच्छा, ये एज अ बॉस भी आप इसको देख सकते हैं, एज एन एम्प्लॉय भी देख सकते हैं, दोनों तरीकों से ना इस प्रेजेंटेशन को। दे एंटिसिपेट अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डूइंग इट, एम्प्लॉय समझते हैं हमने कोई काम कर दिया तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि किसी मीटिंग के अंदर कई दफ़ा लोग चुप करके बैठ जाते हैं, अगर मैंने कुछ बोला तो मेरे पे कोई एक्शन ही ना हो जाए, तो आई यू स्टे क्वाइट, ठीक है। इसका तरीका प्रिवेंटिव क्या है, प्रिवेंटिव है एंगेज टू प्रूव दैट एंटिसिपेटेड नेगेटिविटी इज रॉन्ग और नॉट पेनफुल। गलतियाँ हो जाती हैं, अगर कस्टमर के सामने गलती होगी तो वो ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो उसका रिवर्स नहीं है, वो कस्टमर वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके एक दूसरे के साथ अगर कोई हो जाती है, सो इसका मतलब ये है कि वो आप करेक्ट कर सकते हैं। सो यू नीड टू टेल पीपल, कई दफ़ा ऐसा होता है देयर पर्सनल लिमिट्स प्रिवेंट देम फ्रॉम परफॉर्मिंग। आपको ये नोट करना है कि कई दफ़ा लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकते। सो आपने उन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कई दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा टाइप नहीं कर सकता, उसकी उंगलियों में दर्द होता है, तो आपको उसको टाइम पे ना लगाएं, दूसरे काम पे लगा दें। मैंने बताया था एक दफ़ा कि हमारे पीटीसीएल में एक बंदा ब्लाइंड है, हमने उसको टेलीफोन सुनने पे लगा दिया। सो आपने देखना है कि लोगों की पर्सनल, ये उनकी स्किल की डेफिशिएंसी नहीं है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल रीज़न हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको देखने के लिए आपको अपने एम्पथी मीन्स के दूसरे के शूज़ में जा कर देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या हैं। सो देयर पर्सनल लिमिट्स प्रिवेंट देम फ्रॉम परफॉर्मिंग, ठीक है। सो उसको आपने देखना है, बी स्पेसिफिक टू अवॉइड। अच्छा, और आपने रॉन्ग लेबल नहीं करना उनको कि ये तो बंदा तुझे तो काम आता ही नहीं है। फिर आप वंस आप किसी की डेफिशिएंसी होती है तू तो ये कर ही नहीं सकता, किसी की टांग अगर लिम्प करके चलता है तू तो आहिस्ता चल रहा है, तू तो तेज चल ही नहीं सकता। सो यू स्टार्ट लेबलिंग पीपल, ठीक है। सो ये आपको उनको बताना है। सेकेंडली एक चीज़ आती है, नो वन कुड डू इट, ठीक है। ये एक होती है कि मोर वर्क लेस टाइम अनरियलिस्टिक टारगेट, ये आप देते हैं, ज़्यादा काम दे देते हैं, लेस टाइम दे देते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट पर तो एम्प्लॉय नहीं कर सकेगा। इसको आप स्टैंडर्ड भी कहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता होता हूँ, लम्स की एग्जांपल दे देता होता हूँ। पढ़ाई में आपने सुबह चार के स्टडीज़ पढ़ के रिसर्च करके लेके आनी है, रात को सुबह चार बजे तक बैठे हैं, वरना आपका एडमिशन ड्रॉप हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड को इस तरह एस्टैब्लिश कर लेते हैं, दिस इज़ नॉट द राइट वे। यू हैव टू हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ वर्क। आइंस्टाइन से कहते हैं ना कि तुमने ऐसा करना शाम 5 बजे तक रिसर्च करनी है कंप्लीट, ठीक है, तो वो कर सकता था कि जितने बजे कोई डिस्कवरी करनी है। सो नो वन कुड डू इट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के शिफ्ट जॉब टू समवन हु कैन डू इट, यूज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट परमिट मैक्सिमम परफॉर्मेंस। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है ये टोटल एक्सीलेंस से नहीं आती है। कहने का मकसद ये, आप समझते हैं कि मैं दुनिया के, ये एक बास्केटबॉल टीम थी 1992 में ओलंपिक्स में गई थी, उन्होंने यहाँ पे, यार ये भी किसका कॉल आ गई, सॉरी यार, हेलो।